बलिया महाविद्यालय प्रबंधकों की कर्मी कंसन। जनपद बलिया उत्तर प्रदेश बसंतपुर स्थित जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय पर जनपद के महाविद्यालयों के प्रबंधकों का कर्मी कंसन जारी रहा। अनशन पर बैठे टीएन मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा किया गया शुल्क वृद्धि को वापस नहीं लिया गया तो एसोसिएशन पदाधिकारी व सभी संबद्ध महाविद्यालयों के प्रबंधकों व प्रचारों द्वारा चल रहे कर्मी कंसन को शीघ्र बेमियादी अनशन में बदल जाएगा। इस मौके पर श्री मंगल साहेब विश्वराम यादव जावेद अनवर सूर्यनाथ पांडे अवधेश साहेब अरवाज खान सतीश साहेब झिंकू साहेब देवेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। बलिया से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। महाविद्यालय एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ। जिस तरह से आप लोग विश्वविद्यालय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने काफी दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं जी, आखिर आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते कि विश्वविद्यालय द्वारा अचानक शुल्क वृद्धि की गई, वो भी बेतहाशा। एक लड़के पर जो शुल्क वृद्धि किया गया है, जितनी शुल्क पिछले वर्ष विगत वर्ष में ली गई थी उससे मात्र 100 रुपये, 1050 शुल्क था, 950 है और 1000 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में अंतर है। और माननीय मान्य कुलपति और इंचार्ज द्वारा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के कुलपति एवं श्रीमान रजिस्ट्रार जी द्वारा 800 रुपये की प्रति छात्र वृद्धि की गई है। जो हमारे वाइस चांसलर साहब कहते हैं कि मैं चंद्रशेखर जी का परम शिष्य हूँ। माननीय चंद्रशेखर जी, जननायक चंद्रशेखर जी जब तक जीवित थे तब तक इस देश के लिए, गरीब जनता के लिए, गरीब छात्रों के लिए, असहायों के लिए लड़ते रहे और मरते रहे, वो समाजवादी चिंतक कहे जाते हैं। और यहाँ हम समाजवादी हैं और चंद्रशेखर के अनुयायी हैं और अनुयायी बन के इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए हैं और इस जिले की उनकी संतानों का खून चूसेंगे। ऐसे में कुलपति महोदय से कुछ वार्ता हुई है? कुलपति महोदय से हम लोगों ने पहले 25 तारीख को जो भूख हड़ताल किया था उस पर बात करने की कोशिश की, लेकिन माननीय कुलपति जी ने और माननीय रजिस्ट्रार जी ने साफ मना कर दिया कि मुझे आप लोगों से किसी प्रकार की कोई बात नहीं करनी है, हम लोग शुल्क वृद्धि को वापस नहीं लेंगे। यानी वार्ता से इनकार कर दिए? इनकार कर दिए, वार्ता ही नहीं की। वार्ता ही जब नहीं करेंगे तो हम लोग फिर क्रमिक अनशन और आप लोग अपना आगे आंदोलन तेज करेंगे और तेज करेंगे, इतना तीव्र करेंगे कि पूरा देश जानेगा। हम लोग चैन से बैठने वाले हैं। 128 महाविद्यालयों के लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों के ये धन का मामला है बच्चों के। श्री मंगल सिंह अध्यक्ष, स्वित पोषित महाविद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन बलिया। मामला क्या है जिस तरह से आप लोग जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय कि प्रशासनिक भवन के सामने धरना दे रहे हैं? क्या मामला है, आप लोग क्या चाहते हैं? ऐसी क्या दिक्कतें हो गई कि पूरे कर्मचारीगण अपने कार्यों से विरत होकर आप लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण शुल्क वृद्धि का है। एडमिशन जुलाई अगस्त में लिए गए बच्चों से जो फीस कॉलेज लेता है वो ले लिया, अब बच्चों के रजिस्ट्रेशन हुए, परीक्षा फार्म भरे गए, शुल्क जमा करने पर जो शुल्क जनरेट हुआ छात्रों का, वह प्रति छात्र जैसा कि बताया गया पूर्व में कि 750-850 रुपया, एजी के छात्रों में लगभग 900 रुपया परीक्षा शुल्क विगत वर्षों से इस वर्ष बढ़ चुका है। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? जैसा कि आप लोग काफी दिनों से धरना दे रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, आपको सुना नहीं जा रहा है, ऐसे में आप क्या करेंगे, अगला कदम आपका क्या होगा? अगर हमारी बातें हमारे मुखिया विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग नहीं सुनेंगे तो ये लोक महत्व का विषय है, इसको जिला प्रशासन के संज्ञान में लाया गया है, अब शासन के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी लाया जाएगा, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गवर्नर महोदय को अवगत कराया जाएगा, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाएगा। यानी अपने मुद्दे को लेकर आप लोग पीछे बिल्कुल हटने के लिए तैयार नहीं है? सवाल पीछे हटने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मध्य सत्र में हुई शुल्क वृद्धि का जो शुल्क है, जो पैसा है, वो आएगा कहाँ से? ये बलिया की गरीब जनता, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान समय में सूखा हुआ है, फसलें नहीं हुई हैं, तो बच्चे पैसा कहाँ से लाएंगे, उनके अभिभावक पैसा कहाँ से देंगे? जावेद अनवर एडवोकेट, प्रवक्ता सेल्फ फाइनेंस एसोसिएशन बलिया। ये बताएं, जिस तरह से आप लोग जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने आप लोग धरना दे रहे हैं, हम जानना चाहते हैं क्या मामला है? मामला क्या है? मामला बढ़ी हुई फीस का है। एकाएक मध्य सत्र में हम लोगों के कुलपति जी द्वारा एकाएक फीस में वृद्धि कर दी गई है, शुल्क बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है, जिसमें तमाम ऐसे शुल्क जो अन्य विश्वविद्यालय द्वारा नहीं लिए जाते हैं और उनको हम लोगों पर थोप कर इस तरह से प्रताड़ित किया गया। और चूंकि ये पिछड़ा ज़िला है,
गरीब जिला है और छात्रों को फीस के लिए हम लोग एक बार फीस ले चुके हैं और पुनः ये कहना कि अब बढ़ी हुई फीस तुम दो तो इस स्थिति में कॉलेजों पर लड़ाई झगड़ा बवाल का अंदेशा है। पूरे ज़िले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं कि कुलपत जी जो बढ़ी हुई फीस है वापस ले लें, पुरानी फीस जो थी जो हम लोग पिछले साल दिए थे उससे ले लें और अगले बार अगर उनको फीस बढ़ाना हो तो पहले इसका जारी करके कैलेंडर वर्ष में और अपना जो करना हो करें, सबसे बातचीत कर लें, अपना नियम कानून बना लें, लेकिन मध्य सत्र में फीस बढ़ाना कहीं से उचित नहीं है और उस फीस वृद्धि को पीछे हटाने के लिए हम लोग लगातार 27 तारीख से क्रमिक अनशन पर हैं। भूख हड़ताल भी एक दिन किए थे और आने वाले दिनों में और भी इससे आगे आगे लड़ाई होगी और तमाम जिले के जो 128 प्रबंधक हैं वो सब हम लोगों के साथ हैं। सारे लोगों की ये मांग है कि जो भी फीस वृद्धि उन्होंने मध्य सत्र में किया है उसको वापस ले लें।